हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमपी डिलाइट। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही रिच है, क्रीमी है, और जिस रेसिपी का नाम है मटन अफगानी ग्रेवी। दोस्तों, अक्सर ये रेसिपी बनती है शादियों में, पार्टियों में, तो आज हम देखेंगे कि घर पर हम इस रेसिपी को आसानी से किस तरह से बना सकते हैं। और साथ साथ ही आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और हम इसमें 1/2 kg मटन डाल देंगे। इस मटन को मैंने धो के अच्छी तरह से साफ कर लिया था। तो दोस्तों, इस मटन को हम ऑयल के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई करने वाले हैं। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और साथ ही में हम इसमें 1 TSP सॉल्ट डालेंगे। अब हम इस मटन को इस तेल के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तब तक हमें फ्राई करना है जब तक इस मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता। फ्रेंड्स, वीडियो देखते देखते नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया है उसे प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएंगी और मेरी एक भी रेसिपी आपसे मिस नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने मटन में 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है और अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके इसमें 7 से 8 सीटियाँ ले लूँगी, या तब तक जब तक हमारा मटन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 15-16 काजू ले लिए हैं, 1 ओनियन को मैंने चॉप करके ले लिया है, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया है और 5 हरी मिर्चें ले ली है, और इसी में मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालने वाली हूँ। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा पेस्ट बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 कप दही ले लिया है, जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लिया था। साथ ही में हम इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम डालने वाले हैं। मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। अगर आपके पास घर की मलाई हो तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हो। साथ ही में हम इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का जूस डाल देंगे और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही रिच टेस्ट आता है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 TSP गर्म मसाला पाउडर और साथ ही में इसमें 1 TSP सॉल्ट डालने वाली हूँ। दोस्तों, हमने सॉल्ट पहले भी ऐड किया था, तो आप संभल कर सॉल्ट डालना। अब मैं इसमें 1 TSP वाइट पेपर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम विस्क की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह के लम्स नहीं होने चाहिए, तभी इसका क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा मटन का मैरिनेशन रेडी हो चुका है। हम प्रेशर कुकर को ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मटन बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। फ्रेंड्स, आप मटन की और कौन कौन सी रेसिपीज देखना पसंद करते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर उन्हें अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पे हम एक एक मटन का पीस उठाकर इस मैरिनेशन में डालते जाएंगे। इन मटन के पीसेस को हम मैरिनेशन में बहुत ही अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और इसे कम से कम 1/2 घंटे तक इस मैरिनेशन में रखेंगे। फ्रेंड्स, 1/2 घंटा हो चुका है, अब हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम एक एक मटन का पीस उठाकर इस ऑयल में डालते जाएंगे और हम इसे ऑयल में बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका मसाला पूरी तरह से सूख नहीं जाता। ये देखिए दोस्तों, हम पलट पलट करते हुए इन्हें बहुत अच्छी तरह से फ्राइंग पैन में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसका सुनहरा कलर आने लगा है। फ्रेंड्स, इस मोमेंट पे आप गैस बंद करके इसे कोयले का धुआं दे सकते हो, पर मैंने इस रेसिपी में नहीं दिया है। अगर आप चाहें तो इसे कोयले का धुआं दे सकते हो। तो यहाँ पे मटन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं एक पॉट ले लूँगी, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और अब इसमें हम 3 हरी इलायची और कुछ लौंग डाल देंगे और इन्हें ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो मुझे थम्स अप देना मत भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करना मत भूलिएगा।
तो यहाँ पे हमारा जो मैरिनेशन बचा हुआ था उसे अब हम इस ऑयल में पोर कर देंगे और इस ऑयल के साथ हम इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कम से कम 2 मिनट तक हमें इसे ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। तो अब हम इस ग्रेवी को कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी ग्रेवी को बहुत ही थिक टेक्सचर आ चुका है, हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप पतली ग्रेवी चाहते हो तो इसमें पानी ऐड कर सकते हो, पर मुझे ये कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। तो हमने जो मटन फ्राई करके रखा था अभी उसे हम इस ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हम ग्रेवी को मिक्स करके कवर करके इसे और 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा बढ़िया सा अफगानी मटन बन करके रेडी हो चुका है। बिल्कुल हमें जिस तरह से टेक्सचर चाहिए था उसी तरह से सर इसका टेक्सचर आया है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। वाह दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना रिच लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे खा सकते हो राइस के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ, ब्रेड के साथ, ये किसी भी चीज़ के साथ बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है। तो आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाइए, औरों को भी खिलाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।